स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से राष्ट्रीय अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। शरद पवार की भतीजे अजीत पवार से गुपचुप मुलाकात, कांग्रेस हुई चौकन्ना, राहुल गांधी करेंगे एनसीपी चीफ और उद्धव से बात। खबर है कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनके बागी भतीजे अजीत पवार की गुपचुप मीटिंग के मुद्दे पर राहुल गांधी खुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार और अजीत पवार की गुपचुप मीटिंग से काफी भ्रम पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अगर पारिवारिक मीटिंग है तो घर पर मिलें, किसी बिजनेसमैन के बंगले पर क्यों मिलें। मुलाकात के बाद क्यों अजीत पवार अपनी ही कार में छुपकर निकले, नाना पटोले ने कहा कि हमारी भूमिका है कि हम सब साथ चलें, साथ काम करें। नाना पटोले ने कहा कि कल हमने उद्धव ठाकरे से भी बात की है, अब राहुल गांधी इस मुद्दे के बारे में दोनों नेताओं से बात करेंगे जिससे कि सब कुछ साफ हो जाए। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद कहा था कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली भारत गठबंधन की बैठक की तैयारी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इससे इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे सरकारी अस्पताल में निर्दोष लोग मर रहे हैं, किसानों की मृत्यु दर बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। शरद पवार के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमी पर चर्चा हुई। हमने शरद पवार से इस पर चर्चा नहीं की है, संजय राउत उनसे बात करेंगे। भाजपा को वोट देने वाले राक्षस रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर मचा हंगामा। खबर है कि कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान दिया है जिससे अब विवाद खड़ा हो गया है। सुरजेवाला ने कहा कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो भाजपा समर्थक हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। सुरजेवाला ने यह बयान हरियाणा के कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। सुरजेवाला के इस बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। कई बीजेपी नेताओं ने उन पर और कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राक्षस परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, यह असंसदीय भाषा है, हम इसका संज्ञान लेंगे। वहीं बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला का बयान ये दिखाता है कि अब किस तरह से घमंडिया भारत में जनता का अपमान कर रहा है। इससे पता चलता है कि भारत में राक्षस प्रवृत्ति की मानसिकता घमंडिया के अंदर ही बसती है। दिल्ली में दो दिन में बिक गए 71,500 किलो टमाटर, इस रेट पर टमाटर बेच रही है सरकार। खबर है कि टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से आम जनता को राहत देने के लिए सरकार जगह जगह पर रियायती दरों पर टमाटर बेच रही है। राजधानी दिल्ली में दो दिन की मेगा सेल के तहत 71,500 किलो टमाटर की बिक्री हुई है। इन सरकारी आउटलेट्स पर 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर टमाटर बेचे जा रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दो दिन की मेगा सेल में सस्ती कीमतों पर दिल्ली में टमाटर 71,500 किलो बेचे गए। ये टमाटर की सेल दिल्ली के आर के पुरम और सीलमपुर जैसी 70 अलग अलग जगहों पर आयोजित की गई थी। NCCF के मुताबिक 12 अगस्त को सबसे ज्यादा टमाटर बिके हैं। एक दिन में ही लोगों ने 36,500 किलो टमाटर खरीद लिए। अगले दिन यानी 13 अगस्त को भी दिल्ली में 35,000 किलो टमाटर खरीदे गए। बीते 11 जुलाई से NCCF कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के लिए डिस्काउंटेड रेट पर टमाटर बेचा जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि लगातार हस्तक्षेप करने की वजह से देश में लगभग सभी स्थानों पर कीमतों में कमी आ रही है। एंड्रॉयड यूजर्स पर मंडरा रहा है साइबर हमले का खतरा, CERT-IN ने जारी किया अलर्ट। अगर आप भी एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले यूजर्स पर साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को लेकर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी CERT-IN ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। CERT-IN की रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम एंड्रॉयड 13 सहित एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कई अन्य वर्जनों के भीतर कई ऐसी
तकनीकी खामियों की खोज की गई है, जिससे यूजर्स के डिवाइस से संवेदनशील डेटा चोरी होने का खतरा है। CERTN की रिपोर्ट के अनुसार ये खामियां एंड्रॉयड वर्जन 10, 11, 12 और 13 को प्रभावित करती है। ये खामियां फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड रन टाइम, सिस्टम घटक, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, कर्नेल, आर्म कंपोनेंट, मीडिया कंपोनेंट में खामियों के कारण होती है। अगर हैकर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इन खामियों का फायदा उठा पाते हैं तो वे डिवाइस में मौजूद पासवर्ड, फोटो और वित्तीय डेटा जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स ऐसे किसी भी खतरे से बचने के लिए समय समय पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहें, अपने डिवाइस में मौजूद सभी जरूरी और संवेदनशील डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। इससे डिवाइस खोने या चोरी होने पर डेटा मिलना आसान रहेगा। डिवाइस पर हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और ऐप्स और अपने डिवाइस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। किसी भी ऐप को हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी, चांद के चौथे ऑर्बिट में चंद्रयान 3 की सफल एंट्री, चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचा मिशन। खबर है कि चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। आज से ठीक एक महीने पहले चंद्रयान 3 चांद के सफर पर निकला था। सोमवार को इसने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है। सुबह 11:50 पर चंद्रयान 3 ने चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश किया। इसके बाद चंद्रयान और एक और ऑर्बिट बदलना है। 9 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त 2023 को शाम के 5:45 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर सतह का अध्ययन करना चाहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पृथ्वी से ही टूटकर बना है, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण प्रारंभिक इतिहास पृथ्वी से मिट चुका है, लेकिन चांद पर यह संरक्षित है। वैज्ञानिक चांद का अध्ययन करके धरती की उत्पत्ति को समझना चाहते हैं, पृथ्वी के साथ चंद्रमा के रिश्ते को गहराई से समझना चाहते हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ रहा है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की कक्षा को लगातार कम करने और इसे चंद्र ध्रुवों पर स्थापित करने के लिए कदमों की प्रगति का निर्देश दिया जा रहा है। इसरो ने ट्विटर पर कहा कि कक्षा गोलाकार चरण शुरू हो गया है। किए गए आज सटीक अभ्यास ने 150×177 किलोमीटर की निकट गोलाकार कक्षा हासिल की है। अगला ऑपरेशन 16 अगस्त 2023 को लगभग सुबह 8:30 के आसपास करने की योजना है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने मांगा और 15 दिनों का समय, सबमिट करनी थी रिपोर्ट। खबर है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर और 15 दिनों का समय मांगा है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जांच का ज्यादातर काम हो चुका है। सेबी के मुताबिक कुछ दलालों की जाँच करने के बाद कम्प्लीट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सेबी ने 24 मामलों में से 17 की जाँच कर ली है, बाकी के 7 मामलों में से 4 की जाँच लगभग पूरी हो गई है। बस ऑफिसर से मंजूरी मिलना और जांच होना बाकी है। अन्य 2 मामलों में सेबी की जांच अंतिम चरण में है और दूसरे मामले में अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सेबी ने फाइलिंग में बताया कि अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए वह विदेशी संस्थाओं और एजेंसियों से जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इन सभी जानकारियों का मूल्यांकन करने के बाद रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच करने के लिए कहा था और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 14 तारीख का समय दिया था। नीट पर बढ़ा विवाद, तमिलनाडु के राज्यपाल की चाय पार्टी का बहिष्कार करेंगे सीएम एमके स्टालिन। खबर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि को लेकर बयान दिया है। स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि के नीट समर्थक रूख के विरोध में तमिलनाडु सरकार स्वतंत्रता दिवस पर उनकी ओर से आयोजित की जाने वाली चाय पार्टी का बहिष्कार करेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 2 दिन पहले आरएन रवि ने कहा था कि वह तमिलनाडु सरकार के नीट विरोधी विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। रवि ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा यानी नीट के बिना उपलब्धियां भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है और यह परीक्षा जारी रहेगी। नीट स्नातक 2023 में शीर्ष अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल रवि ने कहा था कि देखिए, मैं विधेयक को मंजूरी देने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा, इसे कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम महसूस करें। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा करें और सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ बने, उन्होंने ये साबित कर दिया है। राज्यपाल के इसी बयान पर सत्तारूढ़ डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। दरअसल एक अभिभावक ने राज्यपाल से नीट को प्रतिबंधित करने के लिए मंजूरी देने का आग्रह किया था। उनका मतलब केंद्रीय परीक्षा से राज्य को छूट देने का प्रावधान करने वाले तमिलनाडु विधानसभा के एक विधेयक को मंजूरी देने से था। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत। खबर है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके के साथ नवाब मलिक को जमानत दी है और अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास जमा कराने को कहा है। बता दें कि मुंबई के ईडी कोर्ट में जमा की गई सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल की कॉपी में कहा गया कि नवाब मलिक को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जाती है। इनमें यह भी कहा गया है कि नवाब मलिक जब तक जमानत पर बाहर रहेंगे वह मीडिया से बात नहीं करेंगे, घर पर पता और मोबाइल नंबर समेत सभी डिटेल ईडी को देनी होगी। बता दें कि बिल की कॉपी में यह भी कहा गया है कि नवाब मलिक किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, गवाहों को नहीं धमकाना है और सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब यह जमानत पत्र को लेकर नवाब मलिक की बेटी आर्थर रोड जेल जाएंगी। आर्थर रोड जेल से रिलीज ऑर्डर लेकर हॉस्पिटल में देंगी और इसके बाद नवाब मलिक क्रिटी केयर हॉस्पिटल से घर आ पाएंगे। पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी नेताओं ने एक्स पर बदली डीपी, तिरंगे की तस्वीर लगाते ही गायब हुआ वेरिफिकेशन टिक। कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से वेरिफिकेशन टिक गायब हो गए हैं। इनमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अपनी डीपी पर तिरंगे की फोटो लगाई थी, लेकिन तिरंगे की तस्वीर लगाते ही इनके अकाउंट से वेरिफिकेशन मार्क गायब हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोशल मीडिया पर डीपी लगाकर हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देने की अपील की थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था कि हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना में आइए अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलते हैं और देश के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत और गहरा करने की दिशा में अपना सहयोग देते हैं। वेरिफिकेशन मार्क खोने वाले मुख्यमंत्रियों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा शामिल हैं। सरकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए एक्स अलग वेरिफिकेशन टिक जारी करता है। इन मुख्यमंत्रियों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का भी वेरिफिकेशन टिक हट गया है। जुलाई में भारत के व्यापारिक घाटे में आई कमी, आयात भी 10 अरब डॉलर हुआ कम। खबर है कि भारत के आयात में जुलाई में कमी देखने को मिली है और ये घटकर 32.25 अरब डॉलर रह गया है। पिछले साल जुलाई में निर्यात 38.38 अरब डॉलर था। भारत के निर्यात में कमी आने के पीछे का बड़ा कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था का धीमा होना, जिसके कारण निर्यातकों को यूरोप और अमेरिका से पिछले साल के मुकाबले कम ऑर्डर मिल रहे हैं। निर्यात के साथ साथ देश के आयात में जुलाई 2023 में कमी आई है। ये गिरावट 52.92 अरब डॉलर पर आ गया है, जो कि पहले 63.77 अरब डॉलर का था। भारत का व्यापारी घाटा जुलाई में कम होकर 20.67 अरब डॉलर रह गया है। यह पिछले साल समान अवधि में 25.43 अरब डॉलर था। इस साल जून में भारत का व्यापारिक घाटा 20.13 अरब डॉलर और मई में 22.10 अरब डॉलर था। सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक इस वित्त वर्ष के पहले चार महीने यानी कि अप्रैल से जुलाई के बीच निर्यात 14.5% घटकर 136.22 अरब डॉलर रह गया है। अधीररंजन चौधरी के निलंबन की जांच शुक्रवार को करेगी विशेषाधिकार समिति, इस वजह से हुई थी कार्रवाई। खबर है कि कांग्रेस के नेता और सांसद अधीररंजन चौधरी को लोकसभा से अनिश्चितकाल तक के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति शुक्रवार को सांसद अधीररंजन के खिलाफ कदाचार की शिकायत की जांच करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने अधीररंजन चौधरी के निलंबन को फिलहाल तब तक जारी रखने का फैसला लिया है जब तक कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति उनके मामले की जांच करके रिपोर्ट सदन को नहीं दे देती है, तब तक के लिए निलंबन जारी रहेगा। रंजन के खिलाफ ये कार्रवाई सदन में उनके गलत आचरण, देश की छवि को गलत तरीके से पेश करने और सदन की कार्यवाही में बार बार व्यवधान डालने के आरोपों के आधार पर की गई है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नामंजूर होते ही सरकार ने अधीररंजन चौधरी के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव पेश किया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सदन में कांग्रेस सांसद अधीररंजन चौधरी का आचरण
ठीक नहीं है और ऐसे में उन्हें निलंबित किया जाए और मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सदन से अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने की घोषणा की थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के दौरान चौधरी ने सदन में पीएम मोदी सहित सरकार के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हालांकि सरकार की आपत्ति के बाद इसमें से कई अंशों को तुरंत ही कार्यवाही से हटा दिया गया। संजय राउत ने कहा, प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़े तो पीएम मोदी के खिलाफ उनकी जीत तय। खबर है कि देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बयानबाजियां जोरों पर चल रही हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। चुनाव में अभी लगभग एक साल का वक्त रह गया है और इन सबके बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, तो उनकी जीत तय है। वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। रायबरेली, वाराणसी और अमेठी की लड़ाई बीजेपी के लिए मुश्किल है। आपको बता दें कि वाराणसी से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं और रायबरेली से वरिष्ठ कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने तैयार की नई टीम। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी जिम्मेदारी। खबर है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की नई टीम घोषित की है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए सपा ने उत्तर प्रदेश की 182 सदस्यीय भारी भरकम राज्य कार्यकारिणी तय की है। सपा मुखिया ने पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों को खासा प्रतिनिधित्व दिया है। बता दें कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने वाली सपा ने कार्यकारिणी में भी इसको महत्व दिया है। बड़ी संख्या में अति पिछड़ों को जगह दी गई है। वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सचिव बनाया गया है। कई विधायकों को भी कमेटी में स्थान दिया गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा राजकुमार मिश्र पहले की तरह ही कोषाध्यक्ष बने रहेंगे। कमेटी में 4 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 61 सचिव, 48 सदस्य व 62 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। 62 विशेष आमंत्रित सदस्यों को यदि छोड़ दिया जाए तो 120 सदस्यीय कार्यकारिणी में 24 मुस्लिम, 45 गैर यादव ओबीसी, 17 दलित, 11 यादव, 8 ब्राह्मण व 15 अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली सरकार ने फिर बढ़ा दिया अतिशी का कद। सेवा और विजिलेंस डिपार्टमेंट की सौंपी गई जिम्मेदारी। खबर है कि दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी को सेवा और विजिलेंस विभाग की कमान सौंपी गई है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा सूचना जारी की गई है। इस आदेश के बाद अतिशी के पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा 14 विभाग हो गए हैं। बता दें कि सर्विसेज एंड विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी मिलने से अतिशी के पास कुल 14 विभाग हो गए हैं। इससे पहले अतिशी 12 विभागों, महिला एवं बाल विकास, PWD, बिजली, एजुकेशन, कला एवं संस्कृति, टूरिज्म, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, पब्लिक रिलेशन, रेवेन्यू, फाइनेंस और प्लानिंग की मंत्री हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में वर्तमान में कुल 6 मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद अतिशी को शिक्षा समेत उन सभी विभागों का मंत्री बनाया गया था जिनका प्रभार मनीष सिसोदिया के पास था। दिल्ली में बाढ़ के दौरान अतिशी काफी एक्टिव रही है। बता दें कि दिल्ली कैबिनेट में अतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और गोपाल राय शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा एक हफ्ते का समय। भूमि घोटाला केस में थी पेशी। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से एक सप्ताह का समय मांगा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को रांची में हुए जमीन घोटाला केस में ईडी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में पेश होना था। इस बात की संभावना पहले ही जताई गई थी कि मुख्यमंत्री ईडी से समय मांग सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने डुमरी उपचुनाव और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ईडी से समय मांगा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में रांची जमीन घोटाला केस के सिलसिले में पूछताछ होनी थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने RC 25/23 केस ECIR दर्ज किया था। हालांकि समन जारी किए जाने के बाद ही ये संभावना जताई गई थी कि मुख्यमंत्री 14 अगस्त को ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे। इसकी वजह सीएम ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन स्वतंत्रता दिवस के लिए दूरदर्शन पर अपना संदेश भी रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करवाएंगे। अब मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह का समय मांगा है, तो उधर ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए सारी तैयारी कर ली थी। केंद्रीय सुरक्षा बल और रांची पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई थी। वरीय सुरक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया था। आपको बता दें कि ईडी ने रांची में जमीन घोटाला से जुड़े हुए मामले में 9 और 15 फरवरी को बड़गाई अंचल का सर्वे किया था। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। उत्तर पूर्व भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, गुजरात, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।